नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से भर्ती निकली है। वेबसाइट आपके सामने है IOCL की, तो ये चेक कर लेते हैं पूरी डिटेल। यहाँ पे आपने क्लिक करना है दोस्तों, स्टार्टिंग में एक्सटेंशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विद 100 एडिशनल पोस्ट। दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से पहले जो भर्ती निकाली गई थी उसमें 500 पोस्ट थी। किसी वजह से जो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाए थे अब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट 500 की बजाय 500 पोस्ट और इंक्रीज कर दी गई हैं। 600 पोस्ट के रिगार्डिंग ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से भर्ती निकली हुई है दोस्तों, और इसकी लास्ट डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। जो कैंडिडेट किसी वजह से अप्लाई नहीं कर पाए थे पिछली बार, अब वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाउ एक्सटेंडेड फ्रॉम 22 मई से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, लिंक एक्टिवेट हो चुका है और लास्ट डेट आपकी रहेगी 21 जून 2020। तो आपने इसका ध्यान रखना है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी डाउनलोड करके हम इसको चेक कर लेते हैं। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ट्रेड वाइज हम डिटेल में चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग में जो है स्टेट का नाम है, किस स्टेट के लिए ये भर्ती निकली है, उसके बाद डिसिप्लिन है दोस्तों किस ट्रेड के लिए है, और यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज पूरी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग में नंबर वन पे जो पोस्ट है दोस्तों वो है टेक्निकल अप्रेंटिस, मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और अप्रेंटिस ये यहाँ की सिविल की है दोस्तों। इसी के ठीक नीचे टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं। टोटल मिला के 37 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज डिटेल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। उसी के ठीक नीचे दोस्तों मैकेनिकल की पोस्ट स्टार्ट है, इलेक्ट्रिकल की। इसमें सारी जो है दोस्तों ये पोस्ट डिप्लोमा वालों के लिए भी है, और ITI के जो कैंडिडेट जिन्होंने ITI किया है वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट ITI से कंसर्न है दोस्तों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें लास्ट तक। उसके बाद जैसे पूरी ट्रेड्स यहाँ पे है, टेक्निकल अप्रेंटिस सिविल की है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की है। तो साइड में जो स्टेट्स हैं दोस्तों, जैसे छत्तीसगढ़ है, दादरा एंड नगर हवेली है दोस्तों यहाँ पे, और इसी तरह से ठीक नीचे यहाँ पे फिटर की, यहाँ से जो है ITI वालों की ट्रेड स्टार्ट हो चुकी हैं। टेक्निकल अप्रेंटिस ये यहाँ से मशीनिस्ट है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है दोस्तों। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी हम चेक करेंगे। ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मशीनिस्ट की है, फिटर की है। दोबारा से फिर यहाँ पे स्टेट वाइज रिपीट होके वैकेंसीज यहाँ पे आ रही हैं। तो उसके बाद है दोस्तों इसी के ठीक नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे है ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के रिगार्डिंग, और इसी के ठीक नीचे है ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर अप्रेंटिस है ये भी, और ट्रेड अप्रेंटिस है डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए है, और ये है रिटेल सेल्स एसोसिएट फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए अप्रेंटिसशिप है, और इसी के ठीक नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे दी है। तो नंबर एक पे यहाँ पे स्टार्टिंग में जो पोस्ट है दोस्तों, ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस की, नॉन ग्रेजुएट कैंडिडेट विद 10+2 पास क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी के ठीक नीचे है ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, इसमें 10+2 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तभी आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी के ठीक नीचे है ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएटर एसोसिएट फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए है, नॉन ग्रेजुएशन विद 12th पास क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है, और इसके नीचे है दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, 10+2 पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एक आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है दोस्तों रिटेल ट्रेनिंग एसोसिएट का, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो अप्रेंटिस है, कुछ एक अप्रेंटिस इसमें ऐसी हैं जो कि 12 महीने की हैं, कुछ एक हैं दोस्तों 15 महीने की। यहाँ पे कोड इन्होंने मेंशन किए हैं कि ये जो कोड है इसमें इस कोड से रिलेटेड जो है 12 महीने की है दोस्तों, और इसी के ठीक नीचे जो कोड है दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताए हैं इस कोड वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी अप्रेंटिस रहेगी 15 महीने के लिए। अब जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, रिटन टेस्ट होगा दोस्तों इसमें, और यहाँ पे इन्होंने पूरी डिटेल रिटन एग्जाम की दी है, जिसमें जेनरिक एप्टीट्यूड रीजनिंग है एबिलिटी आएगी दोस्तों, बेसिक इंग्लिश आएगी, यानी कि 100 नंबर का आपका रिटन एग्जाम रहेगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और 90 मिनट का इसमें टाइम रहेगा। तो आपने ध्यान रखना है, और ये डेट का भी आपको रिपीट कर देते हैं दोबारा से, 22 मई से इसके ऑनलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट इसकी रहेगी 21 जून 2020। ये साइट है दोस्तों RECET.IN, साइट पे जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ये IOCL.com की साइट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। आपके सामने डिटेल में इन्होंने यहाँ पे और नोटिफिकेशन यहाँ पे पूरी डिटेल बताई है दोस्तों, 15 पेज का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है।
ट्रेड वाइज आपने डिप्लोमा किया है तो भी और आईटीआई किया है तो भी आप इसमें पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड करके फिर आप इसमें अप्लाई करें, ताकि कोई कन्फ्यूजन इसमें ना रहे। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा के बारे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का यहाँ इन्होंने बताया है, चेक कर लेते हैं एक बार। कोड नंबर 101 से लेकर 107 तक 3 साल का डिप्लोमा जिन्होंने किया है मैकेनिकल के अंदर, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स की अगर हम बात करें तो 50% की कंडीशन है जनरल और ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए कंडीशन रहेगी 45% की। उसके बाद है दोस्तों कोड नंबर 102 से लेकर 108 तक, जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल में और 50% मार्क्स जरूरी है जनरल और ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 45% मार्क्स की कंडीशन है। उसके बाद कोड है दोस्तों 103 से लेकर 109 तक, जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है किस ट्रेड के अंदर, इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन का है दोस्तों ये, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 50 कंडीशन वही है, 50% मार्क्स जनरल और ओबीसी के लिए, 45% मार्क्स SC ST के लिए। तो ये सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी ट्रेड है आप इसमें चेक कर सकते हैं दोस्तों। आईटीआई वालों की भी यहाँ इन्होंने बताई है, मैं आपको बता देता हूँ। कोड नंबर 113, 18, 123, 128, 33 और 138, इसमें दोस्तों इन्होंने मांगा है आईटीआई फीटर। आईटीआई फीटर का अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई आपकी NCVT से हो या SCVT से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, दोनों प्रकार के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। NCVT और SCVT को लेके कई बार मैंने आपको बताया है कि विशेषकर रेलवे की जितनी भी रिक्रूटमेंट निकलती है दोस्तों अप्रेंटिस से रिलेटेड, वो हमेशा लिखते हैं NCVT / SCVT। तो जो कैंडिडेट SCVT से भी कर रहे हैं उन्हें भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादातर रिक्रूटमेंट, ज़्यादातर SCVT तो आजकल ख़त्म ही कर दिया गया है, सिर्फ कुछ एक आईटीआई के अंदर है। लेकिन जहाँ भी है, मान लिया SCVT के कोर्सेज आप कर रहे हैं, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सभी भर्तियों के अंदर लिखते हैं NCVT / SCVT। तो ये चेक करते हैं फीटर के बाद इन्होंने क्या कहा है। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन का, यहाँ मामला है जिन्होंने आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन का किया है। इसमें भी देखिए क्लियर कट इन्होंने लिखा है NCVT / SCVT, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के ठीक नीचे आईटीआई है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए भी इन्होंने कहा है। आईटीआई जिन्होंने किया है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, NCVT / SCVT बोथ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे रेगुलर फुल टाइम आईटीआई इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है दोस्तों मशीनिस्ट के लिए है, NCVT / SCVT सब कैंडिडेट्स में अप्लाई करें। और है यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए है दोस्तों, अकाउंटेंट के लिए जिन्होंने रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएशन किया है, डिस्टेंस से नहीं दोस्तों, रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएशन आपका होना जरूरी है। और 50% मार्क्स अगर हैं जनरल और ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 45% कैंडिडेट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अकाउंटेंट के लिए, ये भी अच्छी खबर है। उसके बाद है ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, फ्रेशर अप्रेंटिस है दोस्तों ये, क्लास 10+2 12th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन है जनरल ओबीसी के लिए 50%, SC ST के लिए 45%, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 45%। इसी के ठीक नीचे दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, ये उनके लिए है। तो दोस्तों 10+2 पास जिसने किया है और जिसके पास सर्टिफिकेट है डोमेस्टिक डाटा एंट्री का ऑपरेटर का, वो कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन वही है मार्क्स की, 50% और 45% अलग अलग कैटेगरी के लिए। इसी के ठीक नीचे है दोस्तों जिन्होंने किया है दी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन 10+2 ग्रेजुएशन डिप्लोमा होल्डर शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि मान्यता प्राप्त आपकी होनी चाहिए दोस्तों, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 है या ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा है या आईटीआई किया है आपने, रेगुलर कोर्स आपका होना चाहिए ना कि डिस्टेंस से, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। पूरा इन्होंने क्लियर यहाँ पे बताया है। एक चीज़ और इन्होंने बताई है दोस्तों यहाँ पे कि आईटीआई NCVT / SCVT से जो है दोनों को कंसीडर किया जाएगा बराबर, तो इसमें भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बाकी कंडीशंस मेन मेन आप इसमें रीड कर सकते हैं आराम से, बाकी तो नॉर्मल है दोस्तों। मेन मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि एज की अगर हम बात करें तो 18 साल से लेकर 24 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, SC ST OBC और एक्सपीरियंस मैन वगैरह EWS के लिए। जो छूट है दोस्तों नियमानुसार वो छूट भी इन्होंने दी हुई है। तो आप जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की साइट से पहले दोस्तों अप्रेंटिस की जो साइट है उस पर जाके आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाएं, और उसके बाद IOCL की साइट पर जाके आप आराम से जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है,
90 मिनट का जो है 90 मिनट का टाइम रहेगा दोस्तों। रिटन एग्जाम होगा 100 क्वेश्चंस का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे सिलेबस इन्होंने बताया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप तैयारी कर सकते हैं। ये जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है, इससे बाहर आपका सिलेबस नहीं आएगा। तो ये है दोस्तों लेटेस्ट अपडेट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से। इन्होंने भी यहाँ पे बताया है कि आपने सबसे पहले जो है कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है, अप्रेंटिसशिप वाली जो साइट है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है आपने अपने आप को, और उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की साइट पे जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप अच्छी तरह से रीड करके फिर आप अप्लाई करें। यहाँ पे बता दिया हाउ टू अप्लाई, आपने कैसे करना है, IOCL.com की साइट पे जाके आपने इसमें अप्लाई करना है। लास्ट डेट का भी आपने पूरा ध्यान रखना है दोस्तों। फॉर्म अप्लाई करते ही जो है आपने तैयारी अपनी शुरू कर देनी है। तो यह है लेटेस्ट अपडेट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें। अगर घर बैठे आपने इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो आप पढ़ाई हो रिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।